हेलो क्लास सेट, हाउ आर यू? आई एम फाइन। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। आइए आज मैं आप लोगों को पाठ 5 भक्ति नीति माधवी पाठ के अंतर्गत कबीरदास जी का जीवन परिचय लिखवाऊंगी। आइए बच्चों ब्लैक बोर्ड देखते हैं। पाठ 5 भक्ति नीति माधवी। प्रश्न है, कबीरदास जी का संक्षिप्त का छोटा छोटा जीवन परिचय लिखो। उत्तर है, हेरी डालेगा कबीरदास। फिर कबीरदास जी के अंतर्गत इनका जीवन परिचय लिखेगा। कबीरदास का जन्म लहरतारा के पास सन 1398 ईस्वी में चेष्ट पूर्णिमा को हुआ। इनका पालन पोषण एक जुलाहा परिवार में हुआ। ये संत रामानंद के शिष्य बने। कबीर सगुपड़ी भाषा में किसी भी संप्रदाय और रूढ़ियों की परवाह किए बिना खरी बात कहते थे। उन्होंने हिंदू मुसलमान सभी समाज में व्याप्त रूढ़िवाद तथा कट्टर पंथ का खुलकर विरोध किया। काशी में प्रचलित मान्यता है कि जो यहाँ मरता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। कबीर इस रूढ़ी को तोड़ने के लिए काशी छोड़कर मगहर चले गए और वहीं लगभग सन 1518 ईस्वी में देह त्याग किया। कृतियां साखी सबद रामायणी आपकी प्रमुख कृतियां हैं ना। देखिए कबीरदास जी जो है समाज में फैली हुई बुराइयों को, रूढ़िवादिता को दूर करने का उन्होंने अथक प्रयास किया ना। कबीरदास जी को समाज सुधारक भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया अपनी रचनाओं के माध्यम से। तो इस तरह कबीरदास जी का जन्म कब और कहां, किसके वह किसके जो है यहाँ जन्म लिए, इस बात में काफी मतभेद है। कहा जाता है कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। लोक लाज के डर से उसने जो है मंदिर की सीढ़ियों पर रख दिया था और जहां से जुलाहा दंपत्ति ने उन्हें पाया और उनका पालन पोषण किया। कहा जाता वह पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन संतों की संगति में रहकर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और रचनाएं की। तो ये है बच्चों आपका क्लास वन कबीरदास जी का जीवन परिचय। आप लोग नीट एंट्री क्लास और कॉपी में क्लास में लिखिएगा और याद भी करिएगा। होमवर्क है आपका कविवर कबीर का परिचय 8 वाक्यों में कॉपी में लिखिए। यानी जो कबीरदास जी का मैंने परिचय लिखवाया है इसे ही आधार बनाकर आप कबीरदास जी का परिचय 8 वाक्यों में कॉपी में लिखेंगे। ओके बच्चों, इसके साथ ही फिर मिलेंगे। बाय बाय।